हमारा जो अगला मेमोरेंडम है उसका एक्सचेंज होगा MITS एवं IG ड्रोन के मध्य. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री बोधि सत्व संघ प्रिया CEO IG ड्रोन एंड डायरेक्टर MITS डॉक्टर RK पंडित सर टू एक्सचेंज द कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्लीज. इसकी खासियत है IG Drones विल बी सेटिंग अप अ ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर हियर टू ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ डिजाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिमुलेशन डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोसेसिंग. हमारा जो तीसरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सचेंज होगा फिक्की और MITS के मध्य. सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर राजेंद्र कुमार डायरेक्टर MITS ग्वालियर एंड श्री सुमित गुप्ता असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल Picky to exchange the copies of MOU, please. इसकी खास बात है ये उपयोग होगा forming networks and partnerships with corporate majors and institutions, empowering enterprises and raising competitiveness across diverse sectors through proactive and inclusive approach. जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैं अनुरोध करूंगी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मेहताब सिंह और सभी कंपनीज को कि वे अपनी प्रेजेंटेशन और डेमोंस्ट्रेशन के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लें. जब तक वो स्थान ग्रहण कर रहे हैं और आज हम सभी ने इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हमारे माननीय अतिथिगण हैं उन सभी से स्वीकार की हैं, इन सभी क्षणों को अपने स्मृति में सदैव के लिए अंकित करने हेतु मैं विनती करूंगी आदरणीय डॉक्टर RK पंडित जी से कि वे आए और हमारे माननीय अतिथिगण को स्मृति चिन्ह भेंट करें. सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी वे स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे माननीय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को. तत्पश्चात मैं अनुरोध करूंगी सर से कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे हिमंत माधुरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को. तदोपरांत में अनुरोध करूंगी हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए. श्री शेजवलकर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे युवा अग्र सम्राट श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी. आगे मैं अनुरोध करूंगी आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दी फर्दर प्रोसीडिंग टू मेहताब सिंह टू प्रोसीड द डेमोन्स्ट्रेशन विद द कंपनी. So I would like to request the first name of organization, Total Aerospace System, from Bangalore City. अब आप सभी उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब यहाँ करीब करीब 11 कंपनीज अपने ड्रोन्स का प्रेजेंटेशन करेगी. आप देखेंगे कि किस तरह से वह हवा में अपने ड्रोन्स आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे. जो पहला ड्रोन आप हवा में देख रहे हैं वो है थॉटल एरोस्पेस, ये बैंगलोर सिटी से है. इस मॉडल का नाम है स्पाइस कॉप्टर X8 एंड ये मॉडल यूज किया जाता है डिलीवरी के लिए. इसकी भार उठाने की क्षमता है 5 किलो
The maximum payload of this drone is 5 kg और ये हवा में 50 मिनट तक उड़ सकता है। इसी वजन क्षमता को साथ में लेते हुए ये हवा में करीब करीब 50 मिनट तक उड़ सकता है। इसकी विशेषता है कि ये 4G कनेक्टेड ड्रोन है, 360 डिग्री एंटी कोलिजन, यूनिक एरोनॉमिक डिजाइन है इसका। बालगण तालियों से इस ड्रोन का स्वागत करिए। चारों ओर घूमता हुआ टोटल एयरस्पेस सिस्टम का मॉडल स्पाइस कॉप्टर एक्स हमारा अगला जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे, अगला डेमोन्स्ट्रेशन है एस्टेरिया एयरस्पेस लिमिटेड। ये भी बैंगलोर सिटी से है। एस्टेरिया एयरस्पेस लिमिटेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टोटल एयरस्पेस सिस्टम कि वो अपने ड्रोन को यथास्थान पर लेकर आए। एस्टेरिया एयरस्पेस लिमिटेड सिटी बैंगलोर से है। इसका मॉडल नेम है 800XT। इसको कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। जो आप ऊपर देख रहे हैं सबसे ऊपर अभी इस वक्त वो एस्टेरिया एयरस्पेस है। मैं थ्रॉटल से कहूंगी वो अपने मॉडल को नीचे बुला लें। जो इसका मैक्सिमम पेलोड आप हवा में देख रहे हैं एस्टेरिया एयरस्पेस का वो है 2 किलो से कम है और ये 40 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसकी जो विशेषता है टूललेस असेंबली और डिसअसेंबल किया जा सकता है। ये ऑटोनॉमस ऑपरेशन के द्वारा टेक ऑफ करता है। एस्टेरिया प्लीज गिव अ राउंड। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू अगेन रिक्वेस्ट टोटल एयरस्पेस फॉर द नेक्स्ट मॉडल टॉल टैक। टोटल एयरस्पेस के अगले मॉडल को हवा में देखने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। द नेक्स्ट मॉडल इज टॉल टैक। इसकी क्षमता पिछले हवा में रहने की क्षमता पिछले 2 मॉडल से कहीं ज्यादा है, 55 मिनट, लेकिन इसका मैक्सिमम पेलोड 2 किलो है। इसकी की स्ट्रेंथ है IP65 है। इंडस्ट्री बेस्ट विम्बल हाई विंड कैपेसिटी है इसमें। इसकी जो विशेषता है मेडिकल रिलेटेड, अभी जैसा कि सर ने बताया वो तो है ही स्लीप बॉक्स के लिए, बाकी ये मेडिकल रिलेटेड के लिए भी बहुत काम आता है। आप दवाइयों के लिए और ऐसे बहुत सारे, जैसे कभी कभी खून की जरूरत होती है तो भी ये एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में कामयाब है। और यही वो मॉडल है जिसका कीमत ने जिक्र किया था, तेलंगाना एवं आसाम में इसका उपयोग किया जाता है वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। मैं हमारे 5वीं कंपनी ड्रोन डेस्टिनेशन से अनुरोध करूंगी वो अपने मॉडल हबल फ्लाई स्टोरेज को प्रदर्शित करें। हबल फ्लाई स्टोरेज फ्रॉम दिल्ली ड्रोन डेस्टिनेशन, जितना बड़ा ड्रोन हमारे बाल लड़की उतनी तेज आवाज आती है। ये स्प्रे मॉडल है,
अपर पास सारे ये सर्वे और मैपिंग के लिए यूज किया जाता है। और आप जैसा देख रहे हैं ये स्प्रे के लिए यूज किया जाता है, जब आप कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे के लिए यूनिफॉर्म के लिए पूरे क्षेत्र में उस कीटनाशक या किसी भी उर्वरक का छिड़काव करने के लिए काफी उपयोगी है। इसका मैक्सिमम पेलोड 500 ग्राम है और ये 45 मिनट तक हवा में रह सकता है। इससे पहले जो आपने दो एरोस्पेस दो मॉडल देखे थे थ्रॉटल एरोस्पेस के, उसका दे आर ओन्ड बाय स्पाइसजेट। हमारी अगली जो कंपनी है वो फिर से माल ड्रोन्स है सिटी हैदराबाद, उनका अगला मॉडल है सीड कॉप्टर। ये भी रिफॉरेस्टेशन के लिए काम आता है, सी गोल गिराने के लिए, जंगल और कृषि कल्याण में काफी उपयोगी। इसका मैक्सिमम पेलोड है 30 kg और हवा में रहने की इसकी जो क्षमता है वो है 20 मिनट तक। किसी भी बंजर जमीन में अगर आप इससे सीड बॉल्स गिराते हैं तो वहां पर जंगल उगाए जा सकते हैं। और इसकी जो एक उपलब्धता है वो है कि इस मॉडल के द्वारा 1 billion ट्रीज तक का इन्होंने टारगेट बनाया है अगले 2030 इन इंडिया में। हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है एस एग्री उड़ान प्राइवेट लिमिटेड का, एस एग्री उड़ान प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद से, मॉडल साइन 110L। इसका भी उपयोग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में किया जाता है। इसका मैक्सिमम पेलोड 15 kg है और ये 25 मिनट तक हवा में रह सकता है। क्या हम एग्री उड़ान को सबसे ऊपर देख सकते हैं? जी ये है एग्री उड़ान, इसको 25 मिनट तक हवा में रखा जा सकता है। इसकी विशेषता है ये मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर है, स्पेशल पेलोड है। थैंक यू। हमारा अगला जो मॉडल है वो है फिर से थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम द्वारा और इसका नाम है डोपो। कैन यू हैव डोपो? मैं अनुरोध करूंगी थ्रॉटल एरोस्पेस से डोपो को ऊपर लाने के लिए। इसका मैक्सिमम पेलोड 2 kg है और 55 मिनट तक ये हवा में रह सकता है। इसकी विशेषता है ये ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। थ्रॉटल एरोस्पेस द्वारा डोपो। मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगी वो ड्रोन को थोड़ा जनता की तरफ कर लेगा, हमारे जो बाल गणना बैठे हैं वो बहुत देर से इसका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा आप प्लीज उन्हें जनता की तरफ कर लेके जाइए। ये देखिए हमारे बाल गण की गूंज थोड़ा पास जाए उनके। थोड़ा पीछे तक जाए हमारी कृषि एवं कल्याण किसान भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, वो भी इसका समान देखेंगे। पीछे तक जाए प्लीज, दो को प्लीज कैन बी हैविंग टिल द एंड ऑफ द पॉपुलेशन सिटिंग देयर। वेरी नाइस। और आगे तक जाए, और आगे तक आप एक गांव लेकर आ सकते हैं पूरी जनता के ऊपर से पीछे तक, सभी बालकों को देखकर काफी प्रसन्न होंगे। इस ड्रोन में लेकिन सबसे खूबसूरत क्षण देखिए, हम सब इसके साक्षी है और इस प्रतिभा को हम देख रहे हैं और आने वाले समय में हम सब इसको देखकर अपनी भूमिका निर्धारित करेंगे किस तरह हम इसका पूरा स्कोप भारत की प्रगति में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है वो है ओआरसी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमोटेड बाय एमपीएसईडीसी। मैं लोगों से अनुरोध करूंगी वो वापस अपने यथास्थान पर आ जाए और ओ आर सी टेक्नोलॉजी से कहूंगी कि वो लेफ्ट साइड से पीछे से होते हुए आए, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्टेज। ये भोपाल से है और इस मॉडल का नाम है फ्लाइंग चक्रा। फ्लाइंग चक्र, मैं लोगों से अनुरोध करूंगी अपने यथास्थान पर आ जाए ताकि हम फ्लाइंग चक्र को देखना संभव हो सके। आगे तक जाए पीछे तक। फ्लाइंग चक्र एग्रीकल्चर स्पेस के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग है। इसी
पॉपुलर जो हमारे जनमानस बैठे हैं उनके पास जाए एक बार प्लीज और थोड़ा सा थैंक यू। हमारा जो अगला डेमोन्स्ट्रेशन है मैं अनुरोध करूंगी बीसा जी है मैम वाई जी से बीसा सी एम एम वाई टी फ्रॉम दिल्ली। मैं सभी मॉडल्स और कंपनी से अनुरोध करूंगी कि वो प्लीज अपना प्रदर्शन बिल्कुल जनमानस तक लेकर जाएं, जितना पीछे तक जा सकते हैं राइट एंड लेफ्ट जितना आप कवर कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन हमारे जनमानस के लिए है। पीछे तक ले जाएं एंड तक दिशा जरा एंड तक जाए पीछे तक जनमानस तक और पीछे दिशा और पीछे तक जाए पीछे 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 स्टेज के ऑपोजिट ये राइट हो रहा है सर पीछे जी और पीछे थोड़ा ऊंचा ले लीजिए और पीछे ले जाए बीता थोड़ा 28 मिनट तक का इसका एंडोरेंस है। इसकी मैक्सिमम रेंज 3000 मीटर इसमें 4K के कैमरा कैपेबिलिटीज है और इसका जो बैटरी है दैट इज ऑफ 6000 mAh। हमारी जो अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्काईलाइन ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम सिटी इंदौर मध्य प्रदेश। स्काईलाइन हमारे मध्य प्रदेश का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल लोटेक एग्रीबोट स्काईलाइन 3 आप कृपया जनमानस तक पीछे से होकर पूरा राउंड लेकर आए लेफ्ट से राइट एंड होते हुए पूरे जनमानस तक अपना डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए आए और पीछे ये राइट है सर लेफ्ट जाए जनमानस पीछे ऑपोजिट टू स्टेज बॉब हमारी जनता सर्दी में बारिश का आनंद लेती हुई। नेम ऑफ मॉडल इज लोटेक एग्रीबोट इसका एग्रीकल्चर एंड क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग और सैनिटाइजेशन के लिए जैसा कि हमने कहा कि एग्रीकल्चर के अलावा इनका सैनिटाइजेशन में भी बहुत अच्छा उपयोग है क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्प्रेइंग मॉडल है तो कोरोना महामारी में अगर किसी भी तरीके की सैनिटाइजेशन का स्प्रे के द्वारा उपयोग करना है तो उस तरीके के ड्रोन का कर सकते हैं बहुत अद्भुत। और पीछे तक सभी जनमानस को ये डेमो देते हुए आप आगे तक आए इसका मैक्सिमम पेलोड है 20 kg और इसका एंड्योरेंस है 20 मिनट यानी हवा में 20 मिनट तक रह सकता है। इसकी की स्ट्रेंथ है ऑटोनॉमस है डीजीसी अप्रूव्ड है और स्प्रे सिस्टम इसका बहुत ही इफेक्टिव है क्रॉप्स और ट्रीज पर रेडार बेस्ड है सी ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल होता है। हमारा अगला मॉडल है आरएफ अनमैन्ड सिस्टम प्रमोटेड बाय एमपीएसईडीसी एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एमपी। आरएफ कैन यू हैव आरएफ आप भी राइट से लेफ्ट तक पूरा जनमानस को डेमो करते हुए आप आगे आए द मॉडल इज इनसाइड 2.1 बहुत अद्भुत। थोड़ा और पीछे जाइए राइट इन द स्टेज और पीछे जो जनमानस से एंट्री तक एंट्री गेट तक अद्भुत। इसका यूज रूरल आबादी सर्वे अंडर स्वामित्व स्कीम हो चुका है और इसका मैक्सिमम पेलोड है 600 ग्राम इसका एंड्योरेंस है 40 मिनट की हवा में 40 मिनट तक प्लीज जनमानस तक पीछे जाएं एक बार आ रहा हूं। इसकी की स्ट्रेंथ ये भी ऑटोनॉमस है और 15 मीटर तक प्रति क्षण प्रति सेकंड तक ये फ्लाई कर सकता है 15 मीटर पर सेकंड फ्लाई करने की इसकी क्षमता है और ये 150 हेक्टेयर एरिया कवर कर सकता है।
इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो 120 मीटर तक है। मैं सभी ड्रोन से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी पोजीशन हवा में स्प्रे अपने चारों कॉर्नर पर अपनी पोजीशन से जैसा कि निर्धारित था। सभी कंपनी के दोस्तों में एक बार हवा में पूरी अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए अनुरोध करूंगी। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल 12 कंपनीज टू कम एंड टेक देयर पोजीशन इन एयर प्रॉपर एयर स्पेस एसटीई एयर स्पेस प्रॉपर एयर स्पेस मॉडल पैरटैक मारुत ड्रोन्स ड्रोन डेस्टिनेशन मारुत ड्रोन्स एसएडी उड़ान प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर एयर स्पेस मॉडल डोपो ओआरसी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमोटेड बाय एनपीएससी डीसी फ्लाइंग चक्र बीसा स्टाइलिंग रोमेटिक सभी अपनी अपनी पोजीशन हवा में ले सभी ड्रोन request all drone companies to raise to 15 feet AGM and just say that ये grand salute है सारे जितने हमारे ग्वालियर के जनता जो आई है हमारे बस्ती के अंदर मंच पे बैठे हैं ये सब आपके लिए एक grand salute है। आपने कीमती समय निकाला हमारे बीच का है ये drone company की तरफ से धन्यवाद है आप लोगों के प्रति और आभार व्यक्त किया जा रहा है। सारे अपनी पोजिशन से 15 फीट तक जाकर रोक लें उसको और उसी साथ ही पीछे ड्रोन पर्वा वाले बिल्कुल रेडी हो जाए और उससे पहले मैं खुद के हमारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूँ कि पूरी क्राउड पर ताली लगा दें क्योंकि बड़ा बहुत हाई स्पीड ड्रोन उसको होते हैं और उससे शोर करने का चांस है। एक बार अगर ग्वालियर की तरफ से जोरदार तालियों से निकल स्वागत कर रहे हैं ये सब देश के अलग अलग कोनों से बहुत तकलीफ उठाकर खर्चा करके यहां तक आए हैं सिर्फ आपके साथ बैठने के लिए। थैंक यू सो मच अपने सबको नीचे ले लें दोस्तों थैंक यू सो मच और मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से खाली करें क्योंकि अब शुरुआत होने वाला है और इससे पहले कि सूर्य देव का छुप जाए हमें वो ड्रोन पर्दा का मजा लेना जिसके लिए सब लोग आए हैं यहाँ पर। ओके बिगिन लोअर ड्रोन नाउ थैंक यू सो मच। हाँ तो मैं पुलिस कर अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगा जरा सा ग्राउंड बिल्कुल खाली करवा दें क्योंकि ये जो आपने छोटे छोटे यूथ देख रहे हैं ये पीले कलर के इसके अंदर से काफी मूवमेंट होगा और काफी हाई स्पीड होगा काफी मनोरंजक देश में 5 कंपनियां हमारी अलग अलग देश से मुंबई से और गुजरात से कई शहरों से आए हैं आप मनोरंजन करेंगे। थैंक यू सो मच डोंट डाउन नाउ एंड लोकेट दी लोकेट क्रिकेट ग्राउंड चलिए मारो क्लियर थ्रॉटल नगेश्वर